जय हिंद साथियों, अभी आप देखिएगा मैं जो भी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, यह एक्सरसाइज रनिंग के बाद करना है। साथियों, आप जब भी रनिंग करने के बाद जब आप रुकते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा, उतना आपको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको 5 से 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो नॉर्मली हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो साथियों, सबसे पहले हम जब आते हैं रनिंग के बाद तो रिलैक्स पोजीशन जो होता है आपका, ये हो गया, आप देख सकते हैं। जब भी रनिंग करने के बाद आए आप इस पोजीशन में रहो, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। रनिंग के बाद आए आप लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। आप रनिंग के बाद आए उस तरह झुककर लंबा गहरा सांस छोड़िए। सेकंड में आप आने के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हो। साथियों, सेकेंड स्टेप हुआ। साथियों, अब जो हम लोग का थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, जो तीसरा स्टेप है, आप ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हो, पूरा बॉडी फ्री हो जाएगा। आपको तुरंत जो भी आपका जो हाफ होता है उससे आपको तुरंत राहत मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। साथियों, अब हम अपने पैर को थोड़ा सा चला लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा अपने पैर को चला लेंगे। देखिए आपने आप अपने पैरों को धीरे धीरे ये स्टेप मारेंगे, लगातार नहीं मारते हैं तो कम से कम आप आसानी से जाएंगे। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और पैर को ऊपर खोलेंगे, फिर एक स्टेप पीछे, फिर सीधा मारेंगे, फिर एक स्टेप आगे। ये आप या आप इसको स्पीड में भी कर सकते हैं। अब आप देखिएगा जो आप आसानी से एक पैर को एक टेक आगे बढ़ना, एक कदम आगे जाना है, फिर एक कदम पीछे आना। जब एक कदम आगे जाएंगे तो आपका पैर आसानी से ये ऊपर जाएगा और हाथ नीचे, फिर ये पैर। अब नेक्स्ट अपने पैर को साइड खोलेंगे, देखा ये आपका साइड हो गया, फिर आगे लेंगे। फिर नेक्स्ट पैर ये जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ रनिंग के बाद करना है। नेक्स्ट बैठ जाएं।
खाती हूँ आपने देखा, उसके बाद थोड़ा साथियों आपने देखा ये जो भी एक्सरसाइज मैंने बताया आपको रनिंग के बाद, ये 5 से 6 एक्सरसाइज करिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी, आपका दौड़ बढ़ेगा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी। साथियों यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएँ ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आपके पास तुरंत जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।